अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपके लिए ये क्लासेस परफेक्ट हैं, क्योंकि हम इस क्लास में एक स्ट्रक्चर बताते हैं और उससे उस पर आधारित हज़ारों सेंटेंस आप इंग्लिश में बना सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर से। वैसा ही मैं कुछ पढ़ाता हूँ आपको और उसके बाद ढेर सारे प्रैक्टिस भी करवाता हूँ मैं आपको, बहुत सारे सेंटेंसेस के द्वारा प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस भी देता हूँ और फिर उसका आंसर मैं अगले क्लास में बताता भी हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप आज के आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इससे मैच कर लो और जहां पर भी गलतियां हो वहां पर आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तभी हम आ गए क्लास में, अभी शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखकर रखा है यहां पर, वह चला गया था, यह पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। जब भी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, रहे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, चुका था, चुके थे की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे या था, ये थे, मिस गया था, गए थे, या था, ये थे, ऐसा भी आ सकता है। इसमें कोई सटीक परफेक्ट पहचानने का नियम नहीं है। जैसे कि वह चला गया था। ओके फ्रेंड्स, वह चला गया था, अगर मैं बोलता हूँ तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह जा चुका था। ओके, ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेज हुए। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई काम, किसी काम के पूर्णतः पूरा हो जाने की बात की जाती है कि वो हो चुका था, मतलब जो भी काम किया जा रहा था या करने के प्रोसेस में था वो पूरा हो गया था, पूरी तरह से पूरा हो गया था, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि किसी किसी सेंटेंस में हम इस कन्फ्यूजन में आते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है या पास्ट परफेक्ट का है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को अलग अलग कैसे हम पहचान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट को हम बनाना सीखते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं सेंटेंसेस को बनाना। वह चला गया था मतलब वह जा चुका था, तो जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ही हैड गोन, वह चला गया था मतलब वह गया था, अगर हम बोलेंगे या वो गया, या वो गया था, वो कल गया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट में इसी तरह के सेंटेंसेज आते हैं, वो खा लिया था, वो खाया था, ऐसा हम नहीं बोल सकते, वो खा लिया था मतलब खा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ही हैड गॉन, मैंने स्नान कर लिया था। आई हैड टेकन बाथ, मेरे बाजार पहुंचने से पहले वह दुकान बंद कर दिया था। अभी ये दूसरी तरह के सेंटेंसेस हो गए कि मेरे बाजार पहुंचने से पहले, ये एक सेंटेंस हो गया, वह दुकान बंद कर दिया था वो दूसरा सेंटेंस हो गया। मतलब इसमें जो पहला सेंटेंसेस है कि मेरे बाजार पहुंचने से पहले, इस सेंटेंस को हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे बाजार पहुंचने से पहले हम इसको हम बाद में बोलेंगे, सबसे पहले वह दुकान बंद कर दिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस जो है इसको हम पहले बोलेंगे कि ही हैड क्लोज्ड द शॉप बिफोर, पहले मतलब बिफोर आई रिच्ड मार्केट,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ही हैड क्लोज्ड द शॉप बिफोर आई रीच्ड मार्केट। दूसरा है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर गया था। तो यहां पर रोगी मर गया था ये पहले हम लेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। ओके फ्रेंड्स, मेरे आने के बाद वो गया, अभी ये अलग तरीके का सेंटेंस हो गया, मेरे आने के बाद गया। इसमें कहीं भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए लिखा है कि ऐसे सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट मत समझना। ओके, मेरे आने के बाद वो गया। ही वेंट आफ्टर आई केम। दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाएंगे। ही वेंट आफ्टर आई केम। मैंने पानी पीने से पहले गुड़ खाया, ये भी वैसा ही है। आई एट जैगरी बिफोर आई ड्रैंक वाटर। वे लोग चार दिनों से व्यस्त थे, अब ये अलग तरह के सेंटेंस हो गए, लेकिन पास्ट परफेक्ट का ही है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था सिंस फॉर का इस्तेमाल, कि वह चार दिनों से बीमार है, मैं 10 सालों से टीचर हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस को। तो वैसे ही सेंटेंस इसमें भी होते हैं कि वह चार दिन से बीमार था, मैं 10 सालों से टीचर था, ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, और उसमें हैड बिन लगा कर बनाएंगे और सिंस फॉर का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या है, वे लोग चार दिनों से व्यस्त थे। दे हैड बिन बिजी फॉर 4 days। मैं सोमवार से बीमार था। आई हैड बिन सिक सिंस मंडे। जब मैं वहाँ पहुँचा वो जा चुका था। जब मैं वहाँ पहुँचा, एक तो बाद वाला हुआ, एक पहले वाला हुआ, यानी कि मेरे पहुँचने से पहले या मेरे पहुँचने के बाद, वैसा वाला, और अभी है जब वाला। तो जब मैं वहाँ पहुँचा वो जा चुका था। तो यहाँ पर हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। When I reached, he had gone. When I reached, he had gone. आप अगर उल्टा भी बोलते हैं तो भी गलत नहीं होगा। He had gone when I reached. ओके फ्रेंड्स, वे लोग बहुत पहले ही उसे मार चुके थे, मतलब जान से मार दिए थे। दे हैड, ये अलग तरह का हो गया, इसमें एडवर्ब आ गया, पहले ही, बहुत पहले ही, ऐसा अगर आए तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, दे हैड किल्ड हिम। बहुत पहले ही, मच अर्लियर। जब बहुत पहले ही रहे तो उसके लिए मच अर्लियर, और पहले ही हो तो ऑलरेडी। जैसे मैं पहले ही खा लिया था, इसमें पहले ही है और इसमें बहुत पहले ही है, तो सिर्फ पहले ही रहेगा तो उसमें हम ऑलरेडी बोलेंगे, और बहुत पहले ही होगा तो उसमें हम मच अर्लियर बोलेंगे। तो मैं पहले ही खा लिया था। आई हैड ऑलरेडी ईटन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में कितने टाइप्स के सेंटेंसेज आते हैं और उनका इंग्लिश कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और उसको पहचानने का नियम क्या होता है, और उसके बनाने के नियम क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और कितने तरह के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। मेरे खेत पर पहुंचने से पहले मजदूर काम शुरू कर चुके थे। द वर्कर हैड स्टार्टेड द वर्क बिफोर आई रीच्ड फार्म। उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन फूड बिफोर ही केम। मैंने खाना खाने से पहले अपना हाथ धोया। आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर आई एट। वे लोग उस पेड़ को काट चुके थे। दे हैड कट दैट ट्री। मेरे पिताजी 20 सालों से टीचर थे। माई फादर हैड बीन टीचर फॉर 20 years। मेरा भाई कल से बीमार था। माई ब्रदर हैड बीन इल सिंस यस्टरडे। क्या मेरे आने से पहले
वह चला गया था। ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या मेरे आने से पहले, हम पहले नहीं बोलेंगे, पहले बोलेंगे क्या मेरे आने से पहले वह चला गया था, तो हैड ही गोन, दूसरा वाला सेंटेंस के साथ ही हम इंट्रोगेटिव लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हैड ही गोन बिफोर आई केम, मेरे पिताजी के आने से पहले मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई फादर केम, वे लोग बहुत पहले ही उस पेड़ को काट चुके थे। दे हैड कट दैट ट्री मच अर्लियर, मैं पहले ही उसे यह किताब दे दिया था। आई हैड ऑलरेडी गिवन हिम द बुक। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए, क्रिएट कर सकते हैं, और आप इंग्लिश में उसका अनुवाद कीजिए। इससे क्या है, प्रैक्टिस से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ट्रांसलेट करने की। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप स्पीकिंग जब करेंगे तो फटाफट आपके दिमाग में ट्रांसलेशन बनता जाएगा, तो आप इंग्लिश ईजिली बोलते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब रहा आज की प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस, ये रहे सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से इंग्लिश में अनुवाद करके और इंग्लिश बना लेना, और नेक्स्ट वीडियो में उसका जो आंसर बताया जाता है उससे मैच भी ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्ले लिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे, और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।